अमृतसर वापरी घटना तो बाद सोशल मीडिया के उपर एक टिप्पणियों का हड़ आया जिसे यह कहा गया कि एक अणख की खातर एक अपने प्यो ने जो अपनी धी का वह कतल किया। की पता बच्ची प्यो तो डरती ही घरे ना रही हो, पता प्यो कुटमार ही नहीं करता होते होर बच्ची चली गई हो, भी हो सकता है कि प्यो ने बच्ची के नाल कोई शोषण किया हो। कुड़ी कित्थे गई सी कित्थे नहीं गई सी उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिलया है कि कुड़ी ने कोई पग नू दाग लाया, मतलब सो कॉल्ड वो इज्जत जी है बिना गल तो जी धियां सिर के उत्ते थोप दी जाती है। बाल शोषण किया गया है, कला बच्चे का बाल शोषण नहीं किया गया, उदी जेड़ी लाश आदि भी बेअदबी की गई है। जे दो देशों की लड़ाई होंगी है तो दूजी दे जेड़े सोल्जर होंगे उन्होंने भी इज्जत नाल वापस किया जाता, जबकि असी उन्होंने आप ही मारिया होंगे आ, पर इतने तो अपने ही प्यो ने अपनी ही धी को ना सिर्फ मारिया, उन्होंने मोटरसाइकिल नाल बन के बालों तो खिंच के अमृतसर वापरी घटना तो बाद सोशल मीडिया के उपर एक टिप्पणियों का हड़ आया जिसे यह कहा गया कि एक अणख की खातर एक अपने प्यो ने जिहड़ा अपनी धी का वह कतल किया, और प्यो ने भी इस तरह के कुछ बयान आ जिहड़े दिते मीडिया के जो उन्होंने हिरासत के लिया गया सी। तां एक पढ़िया लिखिया तबका वह भी है जिन्हें कहा कि इस तरह का वापना जिहड़ा अणमनुखी है, ये उहदे विरोध दे विच भी लोग खड़े दिखाई दिते। तो फाइट फॉर राइट ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिहड़ी बच्चों के हकों की राखी करती है, उन्हों का जिहड़ा शोषण ना होवे उन्हूं बचाउण दे लई। तां एडवोकेट सिमरजीत कौर गिल मेरे नाल ने, उन्हां दे नाल इस मसले ते वधेरी चर्चा करांगे। सति श्री अकाल जी। कल तो ही जिहड़ा ये मसला आया बड़ी चर्चा दे विच रहा जी, टिप्पणियां दा एक हड़ आया कि एक अणख बची है प्यो ने एक इज्जत बचाई है, इस तरह का नहीं मतलब कि इज्जत हैगी आ जी किसी प्यो न रक्षक न पक्षक बनने लिए मजबूर कर दे। सो सानू तो ये चीज़ा नहीं सिखाई जा, वैल्यू सिखाई जा, जे बच्चा कोई गलत राह तो तुर भी पिया, पहली गल हजे कोई एविडेंस नहीं मिले है, ठीक है हुण तक तो एविडेंस आ जाता कुड़ी कित्थे गई सी कित्थे नहीं गई सी, उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिलया है कि कुड़ी ने कोई पग नू दाग लाया, मतलब सो कॉल्ड वो इज्जत जी है बिना गल तो जी धियां सिर के उत्ते थोप दी जाती है। सो यह एक बहुत मंदभागी घटना आ, ठीक है अनफॉर्चुनेटली ये कोई लॉ भी नहीं बनया होया क्योंकि असी इनू ऑनर किलिंग दे विच भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जिहड़ी ऑनर किलिंग भी हुंदी आ वह भी उदू जाती है जदों 18 प्लस बच्चा हुंदा या मां इंसान हुंदा या कुड़ी आ जां मुंडा, वह किसी इंटरकास्ट या होर कास्ट या अपने गोत दे रिलेशन्स दे विच विआह जां कोई इहो जी जिहड़े स्पिंडर रिलेशन्स हैगे उन्हां दे विच विआह करवाउण दी गल करदा आ। सो इनू तो तुसी ऑनर किलिंग दे विच भी नहीं कंसीडर कर सकते, इहदे विच बच्चे दे जिहड़े हक ने बच्चे का प्रॉपर तरीके नाल बाल शोषण किया गया है, कला बच्चे का बाल शोषण नहीं किया गया उहदी जिहड़ी लाश आ उहदी भी बेअदबी की गई आ। सो आपां जे देखिए कि ईवन इंटरनेशनल लैवल ते भी आपां देखदे आं कि जे दो देशों की लड़ाई होंगी आ तो दूजी दे जिहड़े सोल्जर होंदे आ उन्हां नूं भी इज्जत नाल वापस किया जाता, जबकि असी उन्होंने आप ही मारिया हों, पर इतने तो अपने ही प्यो ने अपनी ही धी को ना सिर्फ मारिया, उन्होंने मोटरसाइकिल नाल बन के बालों तो खिंच के उदी लाश नू बेपत्त भी किया, प्यो वालों ही धी की बेपत्ती की गई है। तो यहो जी अणख मतलब मैनू तो मेरी तो किसी डिक्शनरी दे विच नहीं आती, तो साढ़े निगार आ जिहड़ा समाज का उहदी एक एग्जाम्पल आ जिहड़े लोग उहनू वैरी गुड कर रहे हैं। अच्छा एक ये भी है कि एक किसी ने सोशल मीडिया के भी टिप्पणी की सी कि वह इस घटना के नाल उन्हें कहा कि अणखी कर है इस घटना के समर्थन के बंदा खड़ा, तो वह एक जवाब दे विच लिखा गया सीगा कि तेरे दोस्त ने भी तो लव मैरिज करवाई सी, जे मतलब तुसी प्या प्रेम विआह जां इस तरह दीआं चीज़ां नूं एक पासे तुसी उहदे नाल खड़ रहे हो, फिर वह बंदा कहिंदा कि नहीं मैं सोशल मीडिया के हक के खड़ा, तो सोशल मीडिया की कहिंदा जिंदगी कुछ होर है। उही फिर देखो हुण जिहड़े उत्थे राइट बोल रहे आ जदों उन्हां दे कोल इहो जिहे सरकमस्टांसिस होणगे उह की डिसीजन लैणगे तां उहदे ते डिपेंड करदा ना,
सोशल मीडिया के उत्ते ज़्यादातर जिथे तक मैं भी एक्सपीरियंस किया एक अलग दुनिया बनी हुई है, ठीक है, जो रियलिटी तो बहुत दूर आ। सोशल मीडिया के एक अलग ही पब्लिक ओपीनियन दिती जाती है टू ये कह लो कि टू फेवर सम रोंग थिंग्स इट हैपन, और सॉर्ट ऑफ मीडिया ट्रायल्स चलाए जाते हैं जेडे कि रोंग होंगे ने। सो ये उही लोग ने कि जेडे आप मतलब मैं थोनू कहूँगी कि हुण कदे किसी का रेप होंदा या राइट, कई लोग बड़े विरोध दे विच बोलदे आ, कई लोग कुड़ी दी गलती कढ दिंदे आ, वो किते ना किते वो लोग हुंदे आ जिन्हां दी अपनी मानसिकता उहो जी हुंदी आ। जां जिहड़ा हुण तुसीं इह कमेंट वाला बंदा इहदी गल कर रहे हो वी सोशल मीडिया ते लाइफ होर हुंदी आ, तां इह इही आ कि इह वो लोग आ जिहड़े दोहरे दोहरे म्यार दोहरे दोहरे किरदारां नाल जिउंदे ने। आप कहिंदे आ कि असीं कुछ भी कर सकदे आ ते कोई होर नहीं वो चीज़ कोई भी कर सकदा। और दूजी गल मैं एक गल होर कहूँगी, एक बच्ची दी डैथ होई आ, उदी बेकदरी ते उदी बदनामी दे नालों उनू ब्लेम करन दे नालों सानू सच नू सामने लियाउणा चाहिए, इहदी प्रॉपर तफतीश होनी चाहिए आ की गल सी, की पता बच्ची प्यो तो डरदी ही घरे ना रही होवे, की पता प्यो कुटमार ही इन्नी करदा होवे किते होर बच्ची चली गई होवे। ये भी हो सकदा है कि प्यो ने बच्ची दे नाल कोई शोषण किया होवे। जिहड़ा खास तौर पर बच्चों के नाल शोषण हुंदा उहनू लैके भी कानून की निगाह दे विच इस तरह का जिहड़ा क्राइम है उहनू किवें देखदे? देखो कानून की निगाह दे विच अनफॉर्चुनेटली इदां दा कोई लॉ नहीं बनिया, इहनू 302 जो मर्डर हैगा है उहदे विच ही कंसीडर किया जाता है, जबकि इहदे ते लॉ बनने चाहिए ने बहुत। इस इंसीडेंट तो बाद खास करके इस चीज़ के उत्ते सरकारां नू ध्यान देना चाहिए है कि इहो जे क्राइम के लिए हीनियस जिहड़ियां हैगियां ने सजावां, हीनियस क्राइम कंसीडर करके इहदी सज़ा आम मर्डर नालों भी ज़्यादा जिहड़ी है सख्त होनी चाहिए है। अच्छा इह भी है जी, मतलब मुंडे रात नू घरां तों बाहर रहन, इह भी एक एक इस तरह का भी सामने आ रहा, तो जिहड़ी चर्चा हो रही है लोगों के आम जे कितने यूनीवर्सिटियां तक चर्चा है, पिंड के मोड़ तो लैके यूनीवर्सिटी तक ये जिहड़ा क्राइम है जां ये इंसीडेंट है जिहड़ा ये चर्चा बनिया, उत्थे ये गल आ रही है कि जे मतलब कुड़ी नूं ही क्यों इज्जत दे नाल इस तरह देखा जाता, जे कुड़ी गई तो इज्जत गई, जे मुंडा गया तो फिर इज्जत क्यों नहीं गई? क्योंकि जिहड़ी इज्जत का बोझ है ना वो तो सिर्फ कुड़ियों के सिर पर होंदा है। इज्जत थोपी, इज्जत भी एक पैट्रियार्कीकल जिहड़ा सिस्टम हैगा आ ना मेल डोमीनेंस वाला, उहदा एक ये कह लो कि एक बिना गलत इमोशनल बोझ कुड़ी दे उत्ते थोपिया जांदा आ। जदों धी जम्मदी आ उह प्यो दे अधीन हुंदी आ, जदों थोड़ी वड्डी हुंदी आ भरा दे अधीन हो जाती है, विआह तो बाद पति दे अधीन, तो बुढ़ी होई उह अपने पुत दे अधीन हो जाती आ। सो वह सारी जिंदगी ये चार मर्दा की इज्जत का बोझ ढोंदी आ। ये साडे समाज नू गल्लां लगदियां ने, साडियां कौड़ियां ने, उन्हां लगदा कि फैमिनिस्ट आके कुछ बोलदियां ने, ठीक है, बट दिस इज़ रोंग। सोसाइटी है जां समाज ने बाकी जिहड़े हैगे ने जानवर उन्हां दे विच कुदरती समानता रखी आ, तां फिर साडे इहो जिहियां चीज़ां दे विच अधीनगियां काते ने? सो ये इज्जत का कंसैप्ट सानू कोई नैचुरली तां मिलदा नहीं गा, ये तां समाज का बनाया होया ताना बाणा आ जिहनू अज गलत तरीके नाल वरत्या जांदा आ। समाज चंगी चीज़ लई बणदा आ, समाज दियाँ ताणा बाणा लॉज भी चंगी चीज़ लई बणदे आ, पर बाद विच ओह कुछ मुट्ठी पर लोकां दा ये कह लो कि दी डोमीनेंस दा कारण बन के रह जांदा आ। उहदा रीज़न हैगा कि असीं किताबां दा पढ़ लैंदे आ मतलब, पर दिमागी तौर ते विकसित नहीं हुंदे, असीं डिग्रियां लै लैंदे आ पर साडा दिमाग जो विकसित होना चाहीदा, जो साडे विज़न स्ट्रोंग होना चाहीदा, जो जो चंगी ते बुरे दे जो आस्पेक्ट आ सानू समझने चाहिए वो साडी समझ तो बाहर हो जाते हैं। अच्छा इहदे विच एक होर भी है जी, जे आपां हल वल निकलीए समस्यावां दे हल वल, जे इस तरह के इंसीडेंट ये एक क्राइम ते नू लैके असीं चर्चा ते बैठे, पर इस तरह के बहुत सारे क्राइम ने जिहदे च कतल होए ने, उहदे च परिवार जी कतल करन वाले नू सज़ा हो गई है ते जान वाला दुनिया तो चला गया, बाद चो दोनों परिवारों की कहानी रह गई है, दोनों परिवार जिहड़े उस मसलों के नाल निबड़ रहे ने। पर जे इन्हां दे हल वल देखिए, एक पेरेंट फेलीअर शब्द भी है कि शहरां च असीं रहिंदे आ तां माँ प्यो आपदे बच्चों के नाल सारियां गल्लां करदे ने, बचपन तो ही शुरू हो जाते हैं इस तरह तुसीं विचरना, इस तरह की पढ़ाई करनी, इस तरह पिंडां दे विच ज़्यादा क्राइम भी पिंडां चों आया सामने, हालांकि शहरां च भी विरले विरले केस हैगे ने। जे गल की जाए मापियां दे वल्लों तां रोकिया किवें जा सकदा इस तरह की? मैं ना तुहाडे नाल एक गल करना चाहुंदी हां, इह पिंड ते शहर की गल नहीं हुंदी, एक गल हुंदी है कि किहनूं किन्नी क समझ हैगी आ, कोई किन्नी क साइकोलॉजी ना मनोविज्ञान इहो जिहा सबजैक्ट आ जिहनूं अज दे टाइम दे विच सब तो ज़्यादा महत्व आ, हर चीज़ के पिछे साइकोलॉजी आ, और ये वो सबजैक्ट आ जिहनूं असीं टोटली इगनोर कर दिंदे आ। हुण तुसीं दसो कि एक बच्चा बाहर प्यार क्यों लभ रहा आ? क्योंकि उहनूं घर दे विच उह प्यार नहीं मिलता, जे उहनूं अंडरसटैंडिंग वो प्यार घर दे विच मिल जूगा
वो बाहर अपनी गल्लां शेयर करने लई नहीं, जदों उन्हूं घर दे विच कोई अंडरसटैंड करूगा। ये सब तो नाजुक उम्र हुंदी है जिहड़ी एडोलसेंस की उम्र हुंदी है, जदों टीनएजर्स बन जांदे आ उदों बच्चे नूं सब तो ज़्यादा सपोर्ट मापियां की लोड़ हुंदी है, भैण भरावां दी, कि वो उन्हां नूं अंडरसटैंड करन, उन्हां दी फीलिंग्स नूं अंडरसटैंड करन कि वो करना की चाहुंदे आ, उन्हां नूं चंगे माड़े बारे सिक्ख्या देण। इत्थे जिहड़ा केस हुंदा, जे बच्चा गलत राह ते तुरिया तो उहदे मतलब उहदे प्यो की परवरिश च कमी आ, उहदे विच बच्ची की गलती नहीं गी, प्यो ने जिमें उन्हूं उन्हूं परवरिश देनी सीगी उहदी कमी आई, तां बच्चा गलत राह ते तुरिया उन्हूं। और फिर वो कह रहा कि ये नाल होर बच्चे सुधर जाएंगे, वैटरन नाल कौन सुधरदा आ? तुसीं देखो सब तो ज़्यादा जिहड़ी जुवनाइल डेलीक्वेंसी, जिहड़े जुवनाइल क्राइम होंदे उह किहदे करके होंदे आ? जदों बच्चे नूं बार बार अब्यूज़ का शिकार बनाया जाता। हुण अज चंडीगढ़ दे विच एक 19 साल बेटी ने अपने बाप का कतल करता, क्यों? क्योंकि बाप शराब पी के, ऑलदो मैं उन्हें भी अपोज़ करती हूँ कि होर बहुत सारे तरीके से मारना कोई हल नहीं होंदा, ठीक है, पर उन्हें देखो कितना उकसाया गया तो उन्हें वो चीज़ की। सो तुसी अपने बच्चों जे ये पेरेंट फेलिंग ही आ, वो एज अ प्यो फेल होया बंदा, तो उन्हें कोई हल नहीं लभ्या, बच्चा नहीं समझाया गया, उतो तो उन्हें आ स्टैप चक्या, जे वो सही प्यो हुंदा ना सही अर्थां दे विच, वो अपनी बच्ची नूं समझाउंदा, प्यार नाल उन्हें समझदा, कारण लभदा कि वह बाहर क्यों प्यार लभ्या उन्हें, फिर उस चीज़ को देख के उन्होंने समझाता। तो जिमें वह कह रहा कि बच्चिया गलत राह ते जाणो हट जाणगियां, डैटरन नाल कदे कोई नहीं हटदा हुंदा, ज़्यादा आ बच्चों समझाओ, उन्होंने लैक्चर्स की लोड़ आ अज के टाइम दे विच, बच्चों बाहरली अट्रैक्शन टैंपटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया करके, जो किसी भी चीज़ करके, बच्चों समझो, बच्चों उन्होंने चीज़ों बारे दसो कि किस तरीके, ये भी हो सकता कि बच्ची की कोई बच्ची नूं ब्लैकमेल करके लैके गया होवे, वैसे गल आ कि प्यो ने जानने की कोशिश की, की पता बच्ची नूं ब्लैकमेल करके किसी ने, जां की पता किसी ने उन्हूं किडनैप करके बंद करके रख लिया होवे। गल तां ही है कि असी पॉसिबिलिटीज़ नूं समझे बिना कमेंट ही कर रहे हैं, असी इन्ना गलत बोल रहे हैं, मीनस असी इनसेंसिटिव हो रहे हैं। सो इहदी थोरोली तफतीश की लोड़ आ, और पेरेंट्स नूं अज दे टाइम दे विच बच्चों के दोस्त बनन की लोड़ आ, भज दौड़ करी जाते रहे, माँ भी कमा रही आ, प्यो भी कमा रहे, बच्चों लिए टाइम नहीं का, वो कमाई तुसीं की करनी है जे थोड़े बच्चे थोड़े हत्थों चो निकल जाएंगे? अगे साढ़े सांझे परिवार होंदे सी, परिवारां दे विच सांभिया जांदा सीगा, जे माँ बाप मान लो काम करदे तां दादा दादी सांभण वाले हैगे, अजकल वह चीज़ भी नहीं, बच्चों की मामा ही नहीं बॉन्डिंग बनन दिंदियां दादा दादी नाल। सो वो जदों तक साढ़े परिवार दीआं वैल्यूज़ वापस नहीं आउंदियां हैगियां, जो साढ़े परिवारां दा सांझा वो हुंदा सीगा वैल्यूज़, तां ही बच्चे दे अंदर वैल्यूज़ जाणगे। सो उहदे लई सानूं दुबारा मुड़ परिवारां दी जिहड़ी ये साडी यूनिटी आ, उहदियां वैल्यूज़ आ, उहनां नूं मुड़ सुरजीत करना पऊगा। सो उहो जी सोशलाइजेशन लियाउणी पऊगी। अच्छा, आखिर दे विच आखिरी मेरा इह सवाल आ तुहाडे तों जी कि इस तरह के मामलों के खास तौर पर सोशल मीडिया भी बच्चे किसी के गलबात करते हो सकते, वह माँ प्यो भी नहीं पता होंगे अपना जो परसनल स्पेस के कहना चाहोगे, दैन जो बच्चों के पेरेंट्स ने उन्होंने की कहना चाहोगे? मैं बच्चों तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से थोनों प्यार दिखाता इंसान तो सच्ची प्यार करता हो जरूरी नहीं होंगे, बहुत सारे दिखावे की दुनिया चलती आ, वो किसी ना किसी मतलब न, खास करके कुड़ियों वो किसी ना किसी मतलब में लैके बैठे होंगे कि कदों तो जाल च फसा के तो फायदा चक जान, तो मुंडिया के नाल की चीज़ होंगी है कि अजकल बहुत चलिया होया जिन्हों आप साइबर मतलब वो सैक्स टेप बना लें, हाँ जी सैक्सटोरशन बोलते हैं कि तो कोई वीडियो कॉल करते हैं अगों न्यूड होंगे तो फिर थोड़ा ब्लैकमेल करके एक्सटोरशन करते हैं थोड़े तो। सो उस चीज़ तो बचन की लोड़ हैगी, जो मापे आ प्लीज़ तुम अपने बच्चों के फ्रेंड बनो, जे तुम वाकई चाहते हो कि तुहाडे बच्चे सही राह चलन तो पहले बच्चों के दोस्त बन के, खास करके जो एक उम्र आ जाती है, बच्चों को समझो, उन्होंने अंडरसटैंड करो, डांटण की जगह पर अज वो टाइम गया, साडे मापिया ने भी सानू कुट कुट के समझाया सी, पर अज वो कुटन वाला टाइम गया, अज बच्चे काउंसलिंग करके तुहाडे हैगे आ जिहड़े तुहाडे नाल जुड़नगे, क्योंकि कुट मार वाला टाइम कॉरपोरल पनिशमेंट वाला टाइम चला गया आ, हुण उन्हां चीज़ां नूं पिछे छड के तुसीं बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों के दोस्त बन के अंडरसटैंड करो कि बच्चों की लोड़ आ, बच्चा क्यों किसी होर नाल शेयर करता, उते फालतू दीआं रिस्ट्रिक्शनस ना लगा के उहदे दोस्त बनो, सो तां ही चीज़ां दे हल निकलणगे। धन्नवाद जी। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।